हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग से ही पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो विज्ञापन कला से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो है डायरेक्ट मेल इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें जो है यहाँ देवताओं को उनके सवारियों से रिलेटेड सवारियों से मिलाना है। तो सबसे पहले जो है ए ऋषभनाथ जो है बी इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है थर्ड। तो ए यानी कि ऋषभनाथ जो है सांड से रिलेटेड है, और दूसरा पार्श्वनाथ है जो कि सांप से रिलेटेड है, तीसरा महावीर सभी जानते हैं सिंह से रिलेटेड है, और चौथा नेमिनाथ है जो कि शंख से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर प्रेस किससे संबंधित है। लेटर प्रेस जो है वो आंसर वो हॉट टाइप्स और कोल्ड टाइप से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए और बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दृश्य कला में निम्नांकित में से किसमें आकार की परिभाषा मिलती है। तो जो आकार की परिभाषा मिलती है वो मिलती है फॉर्मलिज्म में, तो सही आंसर है इसका फॉर्मलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया। तो ऋत्विक घटक ने वृत्त चित्र बनाया है राम किंकर बैज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो है, यंत्र माप प्रमापी यानी गेउज निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी जो है गेउज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा सातवां क्वेश्चन, जिसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दोस्तों यहाँ एक तरफ आर्टिस्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी कलाएं यानी कि उनकी चित्राकृतियां दी हुई है, या फिर मूर्तियां भी है इसमें। तो चलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट अल्बर्टो जोकोमेती ने जो बनाई है वो है सिटी स्क्वायर 1948-49 में, और एडवर्ड पाओलोजी ने जो बनाई है वो है जापानी युद्ध देवता। एंड्रिया कैसेला ने जो बनाई है वो है द व्हाइट ब्राइड, और जो जॉर्ज बेस्लिट्स ने बनाई है वो है फिगर विथ रेड आर्म। चलिए दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन ये है, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, वह कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है होकुसाई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंडर एंड डिसेंडर हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, असेंडर एंड डिसेंडर आर रिलेटेड टू लेआउट मेकिंग, प्रिंट मेकिंग, प्रिंटिंग प्रोग्रेस, फोटोग्राफी और टाइपोग्राफी। तो जो इसका सही आंसर है वो है टाइपोग्राफी में जो है असेंडिंग और असेंडर और डिसेंडर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा ना क्लियर। चलो हमारा दसवां क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें अभिकथन और उनका तर्क दिया हुआ है। तो जो हमारा अभिकथन है वो है, वुड कट छपाई की तकनीक रही है जिसका बहुत अधिक प्रयोग अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए किया जाता है, और इसका तर्क जो है वो ये है क्योंकि कास्ट सुलभता पूर्वक उपलब्ध और आसानी से कटने वाली चीज है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है थर्ड, ए और आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट। तो हमारा ग्यारहवा क्वेश्चन जो है वो ये है,
चार रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, चार रंगों के बाद जो एक अतिरिक्त रंग लगाया जाता है तो उसे अतिरिक्त रंग ही कहा जाएगा। इसका सही आंसर है थर्ड, अतिरिक्त रंग। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय 12th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ग्रेस मेले जो है इसके प्रथम महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारे 13वां क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, ओडिशा के मंदिर स्थापत्य के निम्नलिखित निम्नांकित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? तो जो कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है वो है फर्स्ट ए जगमोहन, बी आमलाक और सी खपूरी। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी जो है सही है, जगमोहन आमलाक और खपूरी इसके सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरह से, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जहां एक तरफ हमारे कलाकार है और दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है आंसर नंबर थर्ड है, जिसमें प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड के लिए काम करते हैं और शाहिद कपूर एक अभिनेता है और प्रदीप सरकार जो कि विज्ञापन करता है और अविनाश पसरीचा जो एक फोटोग्राफर है। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा 15वां क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, निम्नांकित स्मारकों के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इनके सही कालक्रम बताने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसमें ए अलाई दरवाजा है, उसके बाद जो है हुमायूं का मकबरा बना है, उसके बाद ताजमहल और लास्ट में गोल गुंबज बना है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नांकित में से कौन संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ बी और डी, पीएनजी और आरजीबी जो है सही प्रारूप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, चलिए शुरुआत करते हैं 17वें क्वेश्चन की, जिसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो जो हमारा अभिकथन है, भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। इसका तर्क यह है, पर्वती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का हास्य संरक्षण के अभाव के कारण हुआ। तो दोस्तों इसका अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड ए और आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है? तो इसका सही आंसर जो है वो है कंकालीटा मथुरा और सी संघोल और डी पेशावर जो है इसका सही आंसर है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, ग्लिप्टिक मोड ऑफ रेंडिंग फ्रॉम इज एसोसिएट विद, इसका सही आंसर है दोस्तों कार्विंग। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, उसमें निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो इनका सही कालक्रम जो है दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर थर्ड एकदम सही है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा रेमब्रा और उसके बाद बी गोया जिसका पूरा नाम फ्रांसिस्को गोया भी है और उसके बाद डी जेम्स एंसोर और उसके सबसे लास्ट में सी एडवर्ड हॉपर। तो सही आंसर जो है इसका थर्ड है। चलिए नेक्स्ट, कर दिया चलिए क्वेश्चन नंबर 21, दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है साफ साफ है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला और डी वास्तुकला का जो है दृश्य कलाओं में आती है ये। तो सही आंसर जो है इसका ए बी और डी सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर सेकंड ए बी डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा 22वां क्वेश्चन है ये, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जिसमें एक तरफ हमारे आर्टिस्ट दिए हुए हैं और वो कहाँ के प्रिंट मेकर हैं दूसरी सूची में ये दिया हुआ है इनको मिलाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए यानी के स्टैनली विलियम हैटर का जो है ब्रिटिश प्रिंट मेकर है
और बी रेमब्रांड जो कि एक डच प्रिंट मेकर है और सी अल्ब्रेस्ट ड्यूरर जो कि एक जर्मन प्रिंट मेकर और फ्रांसिस्को दे गोया जो कि एक स्पेनिश प्रिंट मेकर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए हमारा 23वां क्वेश्चन जिसमें इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है जिसमें एक तरफ आर्टिस्ट दिया है दूसरी तरफ उनके चित्र दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका सही आंसर है जिसमें ए यानी कि नागजी पटेल जो है जिनकी चित्राकृति है बैनियन गेटवे और बी जी रविंद्र रेड्डी जिनका जिन्होंने द गर्ल विद फ्लावर चित्र बनाया हुआ है, सी पुष्पमाला एन ने बनाया है एंड देन व्हाट हैपन और डी एन एन रिमजो ने बनाया है मैन इन अ चौक एरकल। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग में किस प्रकार की छवि पुनः निर्मित होती है। ऑफसेट प्रिंटिंग में किस प्रकार की छवि पुनः निर्मित होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पूर्णतः समान यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है ये, आर जी कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे। आर जी कलिंगवुड जो थे एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और एक कला इतिहासकार भी थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी और सी जिसमें ऑप्शन हो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों बचे हुए 75 क्वेश्चन जो है मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय। बट उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा उसको लाइक करना ना भूलेगा। ठीक है, बाय।